हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी प्रैक्टिकल का फाइल और साथ में उसके सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है क्यों कौन कौन सा पेपर है, कितने कितने नंबर का है वो दिया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल का दिख रहा है होगा यहाँ पे कि 50-50 नंबर के दो प्रैक्टिकल होने हैं थर्ड सेमेस्टर में, यानी 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो देख लेते हैं ये प्रैक्टिकल के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये रहा प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो यहाँ पे देख रहे हो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर जो पेपर 4/5 में आता है, ठीक है। 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, 50-50 के दो हैं, तो ये शुरुआत का 50 नंबर है, इसके बाद एक 50 नंबर का और प्रैक्टिकल है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको करना है। तो ये देख लो, ये सारे जो है प्रैक्टिकल में आपके दिए हुए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है, इसमें फिशरीज या फिर इसमें से कोई एक जो है आपको करना होगा, आपको पता जो है अपने विद्यालय से करना होगा कि इसमें से आपको कौन सा करना है, या तो फिशरीज होगा या फिर एंटोमोलॉजी होगा या फिर सेल बायोलॉजी होगा, इन तीनों में से कोई एक जो है आपको 50 नंबर का करना है। और इसे जो है कंपलसरी है, पार्ट वन ये सबके लिए है, पार्ट बी जो है इसमें से एक करना है, ठीक है। तो 50 नंबर पार्ट बी से करना है और 50 नंबर का तो पार्ट ए सबको करना ही है जो जनरल है, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की फाइल की तरफ, जिसमें हम दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो पार्ट ए है जनरल उसके लिए प्रैक्टिकल की फाइल, और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हम हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिकल की फाइल प्रोवाइड कराएंगे। और ये बाकी दो बचे, अगर ये आपके विद्यालय में चलता हो तो आप कमेंट करना, इसका भी जो हम प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। तो ये रहा प्रैक्टिकल की फाइल, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो प्रैक्टिकल फाइल है ये जनरल के लिए है, जिसमें आपको पहले प्रोटोजोआ के विषय में लिखना है,